नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, रुद्राक्ष स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास टेंथ के लिए अपन इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं और उन्हीं बुक में अपन ने सीन नंबर एक यानी दृश्य नंबर एक को कंप्लीट कर लिया है और अभी अपन दृश्य नंबर दो की शुरुआत कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा और आप समझ भी रहे होंगे कि इंग्लिश क्लास टेंथ के लिए है जो भविष्य में आने वाले बोर्ड के लिए है। तो देखो, अपन सीन नंबर एक तो पढ़ चुके हैं अगर, और आज सीन नंबर दो की शुरुआत कर रहे हैं, यानी सीन यानी दृश्य नंबर दो। दृश्य नंबर टू, रीड एंड फाइंड आउट, पढ़े एवं पता लगाएं, पढ़े एवं पता लगाएं। अब देखो, थोड़ी सी एक मीनिंग है गैसेज, GUESSES, गैसेज। गैसेज का अर्थ है अनुमान लगाना। गैसेज का अर्थ क्या है? अनुमान लगाना। गैसेज का अर्थ क्या है? अनुमान लगाना। और उसके बाद देखो, उसके बाद एक और मीनिंग आपको मिलेगी फाउंड। क्या है? FOUND, फाउंड। फाउंड का अर्थ है मिली या प्राप्त होना, या तो किसी चीज़ को प्राप्त करना, किसी भी वस्तु को प्राप्त करना या वो मिलना, किसी वस्तु को प्राप्त करना या वो मिलना, या वो क्या है ना, मिलना। ठीक है, किसी भी वस्तु को प्राप्त करना या वो मिलना, या वो मिलना। उसके बाद क्या होता है? टाइम। देखो, व्हाट गैसेज आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक फाउंड ऑन अर्थ। फाउंड ऑन अर्थ का होता है, देखो, फाउंड ऑन अर्थ बुक फाउंड ऑन अर्थ का अर्थ है पृथ्वी पर मिली पुस्तक। कैसे? जिन्हें मैंने अभी बताया अनुमान लगाना, तो पृथ्वी पर मिली पुस्तक के बारे में थिंक टैंक के द्वारा क्या अनुमान लगाया गया? जो पृथ्वी पर जो पुस्तक मिली है, उनके बारे में थिंक टैंक द्वारा क्या अनुमान लगाया गया है। उसके बाद टाइम का अर्थ है समय। ए फ्यू, देखो, कभी एक बात विशेष तौर से ध्यान रखना, FEW, फ्यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी नकारात्मक होता है, केवल फ्यू। ये बात विशेष तौर से ध्यान में रखना। दूसरी बात, कभी भी ए फ्यू आए, ए फ्यू का अर्थ है सम। ए फ्यू यानी कुछ। और उसके बाद तीसरे नंबर पहले आता है फ्यू, बिल्कुल नेगेटिव होता है। उसके बाद होता है ए फ्यू यानी कुछ, और उसके बाद होता है द फ्यू का अर्थ है ऑल। ये बात विशेष तौर से ध्यान रखना। मैं एक बार वापस बता रहा हूँ कि फ्यू, केवल फ्यू आए तो होगा नेगेटिव, और उसी के बाद ए फ्यू आए तो होगा सम यानी कुछ, और द फ्यू आए तो होगा ऑल। द फ्यू आए तो क्या होगा? ऑल। तो क्या है? टाइम यानी समय। ए फ्यू सेकेंड लेटर का अर्थ है कुछ समय पश्चात। क्या होता है? कुछ समय पश्चात।
और उसके बाद प्लेस, प्लेस यानी स्थान, मार्क्स स्पेस कंट्रोल, मार्क्स स्पेस कंट्रोल, विशेष तौर से सुना, मार्च यानी मंगल, स्पेस यानी अंतरिक्ष, कंट्रोल यानी नियंत्रण, कंट्रोल का अर्थ क्या है, नियंत्रण, तो मंगल ग्रह नियंत्रण, मंगल ग्रह नियंत्रण, एंड यानी और, सेंटर विले, सेंटर ये पूरा नाम है, मीनिंग ही पूरा नाम है, क्या है, सेंटर, सेंटर विले, क्या है, सेंटर विले, सेंटर विले, क्या है, सेंटर विले, देखो सेंटर विले, उसके बाद आपको पब्लिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी का अर्थ है सार्वजनिक पुस्तकालय, क्या है, सार्वजनिक पुस्तकालय, क्या है, पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय। तो देखो मार्स एंड स्पेस कंट्रोल, मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण, एंड सेंट्रल पब्लिक, सेंटर विल पब्लिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, तो सेंटर विल सार्वजनिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय। उसी के बाद एट राइज, एट राइज यानी पर्दा उठाते हुए, पर्दा उठाते हुए, कैप्टन, कैप्टन यानी कप्तान, कैप्टन का अर्थ क्या है, कप्तान, कैप्टन का अर्थ है कप्तान, कैप्टन का अर्थ क्या है, कप्तान। ओमेगा स्टैंड एट सेंटर, स्टैंड एट सेंटर, और ओमेगा अपने केंद्र पर खड़े होते हैं, ओमेगा है जो अपने केंद्र पर खड़े होते हैं, ओमेगा अपने केंद्र पर खड़े होते। और उसके बाद अपन कुछ वर्ड मीनिंग लिख रहे हैं, और ओपनिंग देखो, ओपनिंग, ओपनिंग यानी खोलना, ओपनिंग का अर्थ क्या है, खोलना, ओपनिंग यानी खोलना, ओपनिंग यानी खोलना। और उसी के बाद क्लोजिंग कार्ड, कैटलॉग, उसके बाद है कैटलॉग, कैटलॉग यानी सूची पत्र, कैटलॉग यानी सूची पत्र, पत्र, कैटलॉग, कैटलॉग यानी सूची पत्र। उसके बाद ड्रोज, और उसके बाद है ड्रोज, DRAWERS, ड्रोज, ड्रोज का अर्थ होता है दरवाजा या दराज, दरवाजा क्या, या दराज, दरवाजा या दराज। उसके बाद है कंफ्यूज, कंफ्यूज यानी अस्पष्ट, कंफ्यूज का अर्थ होता है अस्पष्ट, कंफ्यूज, कंफ्यूज यानी अस्पष्ट, कंफ्यूज का अर्थ होता है अस्पष्ट। फैशन यानी फैशन, तो क्या होता है, देखो कैप्टन ओमेगा स्टैंड एट सेंटर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड, कैटलॉग, ड्रॉ, इन ए कंफ्यूजन फैशन, इन ए कंफ्यूजन फैशन। तो कप्तान ओमेगा अस्त व्यस्त तरीके से, अस्त व्यस्त तरीके से कैटलॉग के दराज खोलते और बंद करते हुए बीच में खड़ी हो जाती हैं, तो बीच में क्या हो जाती है, खड़ी। देखो क्लोजिंग कार्ड का अर्थ होता है बंद करना, कैटलॉग इन सूची पत्र, ड्रोज इन दराज, कंफ्यूजन फैशन यानी अस्त व्यस्त तरीके से कैप्टन ओमेगा है जो दराज को खोलते हुए बीच में खड़ी हो जाती हैं, तो बीच में क्या हो जाती हैं, वह खड़ी हो जाती हैं। लेफ्टिनेंट आयोटा इज अप लेफ्ट, इज अप लेफ्ट, इज अप लेफ्ट, लेफ्ट काउंटिंग बुक इन ए बुक कैश, बुक कैश, बुक कैश, तो लेफ्टिनेंट अयोटा, लेफ्टिनेंट अयोटा एक छोटे से,
तो लेफ्टिनेंट अयोटा एक छोटे से किताबें छोटे से बक्से से किताबें गिनती हुई बाईं ओर खड़ी हो जाती हैं, बाईं ओर खड़ी हो जाती हैं। जैसे लेफ्ट यानी बाईं ओर, काउंटिंग बुक्स यानी किताबों को गिनना, बुक केस यानी छोटे से बक्से से अयोटाएं जो खड़ी होती हैं, और बाईं ओर एक छोटे से बक्से से किताबें गिनती हुई बाईं ओर खड़ी हो जाती हैं, बाईं ओर खड़ी हो जाती हैं। सर्जेंट अप इज एट राइट, इज एट राइट, और सार्जेंट उप उनके दाईं और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए बुक एक किताब को खोलते हैं और बंद करते हैं। कौन करते हैं? तो सार्जेंट उप, जो उनके दाईं और, किसके दाईं और, तो ओमेगा के दाईं और एक बुक को खोलते हैं और बंद करते हैं। उसके बाद टर्निंग इट अपसाइड डाउन, तो उन बुक को इधर उधर घुमाते हुए, शेकिंग हिलाते हुए, इधर देखो, टर्निंग इट अपसाइड अपसाइड डाउन का अर्थ है इधर उधर हिलाते हुए, चेकिंग यानी इधर उधर घुमाते हुए। इट एंड देन रिपलिंग रिपलिंग द पेज, रिपलिंग का अर्थ है शीघ्रता से पन्ने पलटना। क्या है रिपलिंग यानी शीघ्रता, रिपलिंग का अर्थ है शीघ्रता से पन्ने पलटना, तो शीघ्रता से पन्ने पलटना। तो वो इधर उधर घुमाते हैं और वो शीघ्रता से अपने पन्ने को पलटते हैं, पन्ने को क्या करते हैं, पलटते हैं। द पेज एंड सेकिंग हिज हेड, और वो इधर उधर पेज को घुमाते हैं और अपने सिर को हिला लेते हैं, अपने सिर को क्या कर लेते हैं, हिला लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे और उन्हीं के साथ अपन कल और भी इनकी आगे शुरुआत करेंगे, और वहाँ से करेंगे नूडल से। कहाँ से करेंगे? नूडल से। धन्यवाद।